अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। और इस बेटा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है कि ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कलरफुल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कल की जो मैंने बेटा क्लास बताई थी, उसमें मैंने आपको डी ऑर्बिटल्स जो हैं, डी ऑर्बिटल्स उनके बारे में बताया था कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप किस होती है, ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। आज की क्लास हम देखना कि डी इन कैसे होती है। पहले जो अपना है दैट इज डी जनरेट ऑर्बिटल्स। पर डी जनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स हैं ऑर्बिटल्स डी सब शेल में ना पांच ऑर्बिटल्स आएंगे। देखिए इस तरीके से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जी स्क्वायर, ठीक है। ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, सबकी एनर्जी सेम है। इसी तरीके से आप किसी भी शेल के बारे में बेटा, इस तरह 3p है ना, अगर ये 3px, 3py, 3pz, बेटा ये किसी बच्चे का माइक ऑन है, इसको ऑफ कर दे बेटा, माइक ऑफ करें बेटा, माइक ऑफ करें। जिस तरह 3p है बेटा, उसके तीन ऑर्बिटल्स हैं, तो इनको भी आप कहेंगे कि ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है। इस तरह डी के जो पांचों ऑर्बिटल्स हैं, इनको भी आप कहेंगे ये डी जनरेट हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम आ रही है, ठीक है। तो अब ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स करते क्या है बेटा, ये हमने पहले समझना है। जिस तरह की बेटा आपको पता है ना, कॉपर टू जो होता है, जब भी आप कॉपर टू का सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में, तो वो आपको ब्लू कलर में नजर आता है। कॉपर टू सल्फेट देख लें, वाटर में डालेंगे ब्लू सॉल्यूशन। तो आज इसकी रीजन देखेंगे कि ऐसा क्या होता है कि कॉपर टू जो है वो आपको ब्लू कलर में नजर आता है। सबसे पहला काम कॉपर टू की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले कॉपर की करते हैं जी। कॉपर हैज 29 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, n4s1। ये जी आपके पास कॉपर टू की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब कॉपर टू आपने बनाना है ना, तो 27 हो जाएंगे, और आपको पता है कि 4s इलेक्ट्रॉन से पहले निकलेगा, देन 3d से निकलेगा। अब आपके पास बन जाएगा 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, ये बन गया जी। अब ये जो 3d9 बना है, इससे हम बेटा स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये जी आपके पास डी के पांच ऑर्बिटल्स हैं, 1, 2, 3, 4। बेटा माइक ऑफ कर दें। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर, ठीक है। और ये बेटा कॉपर टू है, ये कॉपर टू की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बेटा होता क्या है देखें, जैसे ही वाटर जो है ना, ये एक्वस का मतलब है कि कॉपर टू आपने वाटर में डिजोल्व किया है। जैसे ही वाटर इस कॉपर टू के पास आएगा ना, तो जो कॉपर टू के इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, 9 इलेक्ट्रॉन्स, जो कॉपर टू के इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लाइगेंड्स हैं, लाइगेंड जैसे ही, मतलब यहाँ पर लाइगेंड क्या है, वाटर है। जैसे ही लाइगेंड अप्रोच करेगा किसको, कॉपर टू को, या इसके करीब आएगा, तो इनमें रिपल्यन होती है, और उस रिपल्यन की वजह से क्या होगा, ये जो डी सब शेल आपको नजर आ रहा है, ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों अनस्टेबल होगा बेटा, फिर सुने कि देखें, कॉपर टू एक्वस का मतलब है कि कॉपर टू को वाटर ने सराउंड किया हुआ है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। तो जब वाटर जो है बेटा बॉन्ड बनाने के लिए कॉपर टू के पास आएगा ना, वाटर मतलब लाइगेंड बॉन्ड बनाने के लिए कॉपर टू के पास आएगा, तो होगा ये कि रिपल्यन होगी लाइगेंड में और कॉपर टू के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्यन होगी, और इस रिपल्यन की वजह से
ये जो डी सबशेल है ये दो ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाएगा। कैसे, ये देखें, क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगा ना, अनस्टेबल से इसमें स्प्लिटिंग होगी। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जी स्क्वायर हायर एनर्जी पर चले जाएंगे और जो तीन ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड लोअर एनर्जी में आ जाएंगे। ये जो स्प्लिटिंग हो रही है इसको बोलते हैं डी डी स्प्लिटिंग। इसको क्या बोलते हैं? डी डी स्प्लिटिंग। कि व्हेन लाइगेंड अप्रोच टू दी सेंट्रल मेटल आयन फॉर डेटिव बॉन्ड रिपल्शन इज कॉज बिटवीन, किसके दरमियान, बिटवीन लोन पेयर इन लाइगेंड एंड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल एंड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल। बड़ा इस वजह से स्प्लिटिंग हो रही है कि जब ये डी डी स्प्लिटिंग समझने एक बार फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं? बड़ा वही कर रहा हूँ, एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ कि जब लाइगेंड जो है लाइगेंड ये बेटा अप्रोच करता है किसको, इस मेटल को, क्यों अप्रोच करता है? बॉन्ड बनाने के लिए। कल हमने ये पढ़ा था कि कॉपर टू जो है ये बेटा इसके साथ बॉन्ड बनेगा ना, किसका, वाटर का। जब इस तरीके से वाटर आकर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, मैंने ये लिखा है बेटा कि इस बॉन्ड बनाने के अंदर जो लाइगेंड के लोन पेयर हैं और जो कॉपर टू के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखे ना, द रिपल्शन इज कॉज्ड बिटवीन द लोन पेयर इन लाइगेंड एंड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। कि ये जो बेटा लाइगेंड के लोन पेयर होंगे और जो आपके पास डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा। कौन? डी सबशेल अनस्टेबल होगा और अनस्टेबल होने की वजह से ये टूट जाएगा इंटू टू ग्रुप्स, डी एक्स केयर वाई स्केयर डिजीज केयर में और डी। अच्छा, ये जो मैं बेटा बना रहा हूँ ना, ये जो आपको स्प्लिटिंग का पैटर्न नजर आ रहा है, ये डायग्राम आपने, ये स्प्लिटिंग आपने उस वक्त बनानी है जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही होगी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें छह कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होता है या छह डेटिव बॉन्ड बन रहे होते हैं। ठीक है बेटा, ये जो डायग्राम है ये में छह कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलते हैं डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी है। अब बेटा याद रखिएगा कि जो डेल्टा ई है ये वेरी करता है। अगर यहां कोई स्ट्रॉन्गर लाइगेंड आएगा ना, अगर कोई आता है स्ट्रॉन्गर लाइगेंड, मतलब सी एन नेगेटिव है, एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, अगर सी एन नेगेटिव बेटा अप्रोच करेगा इस कॉपर टू को तो यहाँ पर रिपल्शन के चांसेस ज्यादा हैं। जब सी एन नेगेटिव अगर इसको अप्रोच करता है ना डी डी सबशेल को, तो जो लाइगेंड है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो ज्यादा रिपल्शन होगी, तो ये डेल्टा ई की वैल्यू आपके पास ज्यादा बिगर आएगी। डेल्टा ई मतलब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ जी, साथ बताओ, अब इसमें स्प्लिटिंग में क्या मसला है बेटा, जल्दी से पूछो। सर वो तो समझ आ गया, बस ये बता सकते हैं कि इनमें से किस में ज्यादा एनर्जी होगी, किस में कम एनर्जी होगी? बेटा ये मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, ये पैटर्न आपने याद रखना है। अब आप समझ आ गया किसकी कम एनर्जी होगी? डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड की कम होगी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जी स्क्वायर की ज्यादा होगी। लेकिन ये पैटर्न बेटा आपको याद रखना है कि जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में हमेशा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जी स्क्वायर हायर एनर्जी पर चले जाएंगे और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड लोअर एनर्जी पर जाएंगे फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल बेटा आगे करवाता हूँ, रियल एग्जाम्पल जरा देखिएगा इसकी। हम करते हैं इस तरीके से कि y
कॉपर टू सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर, ये बेटा हम देखते हैं किसका ब्लू कलर क्यों है। तो कॉपर टू की बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं, आपको पता है इसमें जो डी है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हम इसकी बेटा कर रहे हैं कॉपर टू, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर रहे हैं। जैसे ही लाइगेंड कॉपर टू के पास आएंगे तो इन्होंने स्प्लिट हो जाना है, ये बेटा दो हिस्सों में डिवाइड होगा। देखें जैसे ही लाइगेंड इसको अप्रोच करेंगे ना कॉपर टू को बॉन्ड बनाने के लिए, तो रिपल्यन होगी लाइगेंड में, लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में, और डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनमें, रिपल्यन में ऊपर लिखवा चुका हूँ ये बात, ठीक है। तो रिपल्यन की वजह से ये डी सबशेल अनस्टेबल होगा और स्प्लिट हो जाएगा इंटू टू ग्रुप्स, एक ग्रुप बेटा आपके पास ऊपर बनेगा और एक नीचे। ये आपने याद रखना है कि जो नीचे वाला होगा उसकी एनर्जी कम होगी, ये लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा बेटा, एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ये डी एक्स वाई है, ये डी वाई जेड है, ये डी एक्स जेड है, और जो ऊपर आएगा उसके पास ये डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर। बेटा आपने नो इलेक्ट्रॉन फिल करने, सॉरी यहाँ बेटा नो इलेक्ट्रॉन है, आपने ना नो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं क्योंकि कॉपर टू में 9 इलेक्ट्रॉन है, 3D के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन बेटा आप यहाँ पर फिल करेंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में भेजें देन हायर एनर्जी में। तो लोअर एनर्जी में बेटा आप कैसे भेजेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये बेटा फिलिंग होगी जी, राइट। और ये डेल्टा ई है, इनमें एनर्जी गैप है, ये दिस इज डेल्टा ई। अब बेटा आपको सोल्यूशन ब्लू क्यों नजर आता है, तो वो समझने के लिए मैं आपको एक कलर व्हील बेटा बनाकर देता हूँ, वो आप याद करेंगे। कलर व्हील देखिएगा जरा, अच्छा बेटा ये आपके पास है ब्लू, ये सियान कलर है, जो लाइट ब्लू आप इसको कह सकते हैं, ये बेटा ग्रीन है, ये बेटा येलो है, ये रेड है, और ये मैजेंटा कलर है, ठीक है। अब बेटा देखें कि ये जो कलर व्हील मैंने आपको बना कर दिया है ना, इस कलर व्हील को आपने एक तो याद करना है, क्योंकि जब इसको याद करेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी कलर के बारे, कलर को बताने में। अब इसमें जो ऑपोजिट कलर आ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल बेटा ये आपका सियान कलर है, इसी कलर का होता है बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। ब्लू कलर बेटा जो है ना, मैं आपको बताता हूँ किस तरह का होगा। रही आपके पास तकरीबन इस टाइप का ब्लू होगा, ठीक है। ब्लू तो ये सही नहीं है, लेकिन इस टाइप का ब्लू बेटा जो, हाँ अच्छा, आपके पास जो मैजेंटा कलर है, रही इस टाइप का मैजेंटा कलर होगा। ये बताने का मकसद जरा सुने बेटा, ये जो ऑपोजिट कलर आपको दिख रहे हैं ना, ये जो ऑपोजिट कलर बेटा आपको दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर ब्लू और येलो ये एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, तो ब्लू और येलो जो है बेटा, ये जो कलर्स डायरेक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर हैं इस कलर व्हील के अंदर, इनको आप कंप्लीमेंट्री कलर कहते हैं, ये है कंप्लीमेंट्री कलर्स, कंप्लीमेंट्री कलर्स। ब्लू और येलो बेटा ये कंप्लीमेंट्री कलर है, इसी तरीके से रेड और सियान, रेड कलर और जो सियान कलर है लाइट ब्लू, ये बड़े कंप्लीमेंट्री कलर है, इनको आप जो एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं उनको आप कहते हैं कंप्लीमेंट्री कलर्स। जब भी आप इन दो कंप्लीमेंट्री कलर्स को बेटा मिक्स करते हैं तो
तो इट विल गिव यू व्हाइट लाइट, ये आपको व्हाइट लाइट देते हैं, ठीक है, ये आपको क्या देंगे, व्हाइट लाइट। इस तरह रेड और सियान को मिक्स करेंगे, ये आपको क्या देंगे बेटा, व्हाइट लाइट देते हैं। देखें इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप व्हाइट लाइट बेटा पास करवाते हैं ना किसी सॉल्यूशन से, पर एक पार्टिकुलर लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, सपोज मैंने व्हाइट लाइट पास करवाई और रेड कलर उसमें एब्जॉर्ब हो गया है, तो जो रिमेनिंग कलर होगा उस कलर का आपको सॉल्यूशन दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, ये बेटा टेस्ट ट्यूब में आपके पास था कॉपर टू, ठीक है, आपने व्हाइट लाइट इसको दी। अच्छा ये व्हाइट लाइट में से ना बेटा आप कहेंगे काफी सारे कॉम्बिनेशन है व्हाइट लाइट के, ब्लू येलो भी है, रेड सियान भी है और ग्रीन मैजेंटा भी है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एग्जैक्टली वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं कि जो इसको एक्साइटेशन करवा दे। मतलब जैसे ही बेटा ये व्हाइट लाइट आप इसमें से पास करवाते हैं तो व्हाइट लाइट में से क्या होगा कि व्हाइट लाइट का कुछ पार्ट कॉपर टू एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा, रेड कलर एब्जॉर्ब कर लेगा जी, कॉपर टू विल एब्जॉर्ब द रेड कलर। क्यों एब्जॉर्ब करता है बताऊंगा बेटा, देखें अगर रेड कलर एब्जॉर्ब हो रहा है ये वाला बेटा, ये कलर अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये सियानो कलर बेटा जो है कि जो लाइट ब्लू कलर है ये आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ मिलेगा और आपको जो सॉल्ट का सोल्यूशन है वो लाइट ब्लू कलर में नजर आएगा। मतलब मेरा ये है कि व्हाइट लाइट जब आप पास करवाते हैं तो जौन सा कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा वो तो चला गया, लेकिन जो दूसरा कलर होगा ना उसके साथ आपको वो सॉल्ट उस कलर का नजर आएगा। जिस तरह की व्हाइट लाइट आपने दी, रेड कलर एब्जॉर्ब हो गया, जो सियान कलर है ये आपको वहां पर रिफ्लेक्ट होता हुआ मिलेगा। तो यही रीजन है कि कॉपर टू जो है वो लाइट ब्लू मतलब सियान कलर का होता है। अब रेड कलर जो एब्जॉर्ब हुआ है वो करेगा क्या, रेड कलर का क्या काम है बेटा जरा सुने, जो रेड कलर या रेड लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो लाइट असल में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने में हेल्पफुल होगा। देखें यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, ये इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइटेशन हो रही है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे हो रही है, लाइट एब्जॉर्ब करके हुई है कि कॉपर टू के अंदर जब आपने व्हाइट लाइट दी, व्हाइट लाइट का मतलब था रेड और सियानो कलर, तो रेड लाइट कॉपर टू ने एब्जॉर्ब कर ली, सियानो कलर को बेटा उसने रिफ्लेक्ट किया, तो यही रीजन है कि आपको कॉपर टू ब्लू कलर में नजर आता है। अब इस कलर व्हील को आप याद कर लीजिए, इस कलर व्हील में देखें आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू लाइट को, तो वो सॉल्यूशन आपको या वो सॉल्ट किस कलर का नजर आएगा, येलो कलर में नजर आएगा। अगर कोई सॉल्यूशन मैजेंटा कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कलर्स को बताना होगा, ये मुझे बताएं, ये समझ आ गया जी, आगे चलूं मैं जी सर। ये बताएं ये कलर एब्जॉर्ब क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है, जो डीडी स्प्लिटिंग हुई है ना उसमें इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के लिए कलर एब्जॉर्ब होता है और इलेक्ट्रॉन उसी लाइट को एब्जॉर्ब करता है जो इसकी एक्साइटेशन करवा सके, ठीक है। तो इन छह के छह कलर्स के अंदर रेड मजेंटा ब्लू सियान ग्रीन और येलो, इलेक्ट्रॉन उस कलर को एब्जॉर्ब करेगा, उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जो इसकी एक्साइटेशन करवा सकता है, और वो कॉपर ट्यूब के केस में वो कलर कौन सा था, रेड, तो रेड कलर एब्जॉर्ब किया तो सोल्यूशन आपको ब्लू कलर का मिलेगा। जी सर ये 3D9 क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3D10 4S1। बेटा ये तो आप AS का क्वेश्चन कर रहे हो, इसकी जो कॉपर टू की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऊपर करवाई थी, ये देखो भाई कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाती थी ना कॉपर की 3D10 4S1, तो कॉपर टू का मैं बना रहा हूँ ना, कॉपर टू की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 4S का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 3D से एक निकलेगा, तो 3D9। अच्छा सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा अब आगे चलते हैं जी, इसके अंदर जो डीडी स्प्लिटिंग हो रही है इसके अंदर बेटा ये इसके नीचे लिख लें कि व्हेन व्हाइट लाइट
is incident on a complex the electron in low energy orbital will absorb some part of this white light equivalent to delta E, and thus electron will be excited to high energy orbital. The remaining light will be reflected. The remaining light will be reflected. Thus, this reflected light will appear as a कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स. ठीक है बेटा, ये अब आपको सारी कहानी समझ आ जानी चाहिए. अब हम आगे चलते हैं कि बेटा ये जो मैंने आपको सेपरेटिंग करके दिखाई है ना, ये सेपरेटिंग है ऑक्टाहेड्रल के लिए. जब भी ऑक्टाहेड्रल, इसके इसके नीचे लिखे बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जब भी आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेपरेटिंग करवानी है तो 3D इस तरीके से सेपरेट होगा कि डी एक्स स्केयर वाई स्केयर ऊपर आएगा, डी एक्स स्केयर वाई स्केयर और डी जी स्केयर, और जो डी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड है ये नीचे आएगा. ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपने डी डी सेपरेटिंग दिखानी होगी. डी डी सेपरेटिंग का मतलब है कि जो डी ऑर्बिटल है ना, या जो डी सबशेल है, ये दो ग्रुप्स में, दो सेट्स में डिवाइड हो गया. एक लोअर एनर्जी है डी और एक हायर एनर्जी है डी, इसको बोलते हैं डी डी सेपरेटिंग. तो ऑक्टाहेड्रल में सेपरेटिंग इस तरीके से करवाएंगे कि डी एक्स डी वाई डी एक्स वाई डी वाई जेड और एक्स जेड ये लोअर एनर्जी में जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर हायर एनर्जी में जाएगा. अच्छा, इसके ऑपोजिट होगा टेट्राहेड्रल, वो जरा देखें. सिर्फ सेपरेटिंग का फर्क है. डी डी सेपरेटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, देखें अगर ये है ना CuCl4-2-, इसमें तो आपने बेसिकली कॉपर टू का करना है. ये बेसिकली कॉपर टू है, क्लोराइड को आप निकाल दें. लेकिन अगर आप टेट्राहेड्रल का बनाना चाहते हैं इस तरीके से, अगर आप टेट्राहेड्रल के लिए सेपरेटिंग करना चाहते हैं, तो ये बात अब याद रखने वाली है कि टेट्राहेड्रल में सेपरेटिंग ऑपोजिट होगी. डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नीचे आएगा, डी जी स्क्वायर भी नीचे आएगा, और ऊपर तीन आएंगे ऑक्टाहेड्रल के ऑपोजिट. डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड. और फिलिंग बेटा कैसे करनी है? फिलिंग देखें, एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है ना, तो फिलिंग आपने ऐसे करनी है कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर में आएंगे ऐसे, फिर हायर में जाएंगे. बाकी तरीका वही है कि दिस इज डेल्टा ई, और डेल्टा ई जो एनर्जी गैप है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लाइगेंड पर. जितना स्ट्रॉन्गर लाइगेंड होगा ना, उतनी ज्यादा इसमें सेपरेटिंग होगी. ठीक है, और अब आप मुझे ये बताएं कि जो कॉपर टू क्लोराइड है ये येलो कलर का होता है क्यों? कॉपर क्लोराइड जो है ये येलो कलर का क्यों होता है? तो देखें, आप इस कलर व्हील पर आएंगे. जो कलर व्हील है इसमें देखें येलो कलर आपको कहाँ दिख रहा है? ये आपके पास है येलो कलर. येलो कलर अगर दिख रहा है, इट मींस कि इसने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की होगी? जी बताएं जरा, अगर येलो कलर दिख रहा है तो लाइट कौन सी एब्जॉर्ब की होगी इसने? ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया. कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया इसने?
सात सात इसने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की होगी? अच्छा अब जरा देखें इसके बाद कि वाई जिंक टू सॉल्यूशन एंड स्कैंडियम थ्री प्लस सॉल्यूशंस आर कलरलेस, ये क्यों कलरलेस होते हैं जी? अब आप जिंक टू को जरा देखें कि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. और जब आप जिंक आयन बनाएंगे Zn2 प्लस, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s के इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। अब जरा देखें कि इसके जिंक के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलरलेस क्यों होते हैं जी? ये जिंक है 2+ वाला, ठीक है, सपोज इसके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सपोज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपने बनाना है इसका ZnH2O इसका जी, ये क्यों कलरलेस है? तो इसके अंदर आप सेपरेटिंग करवाएं ऐसे करके, ऑक्टाहेड्रल है ना, तो नीचे आएंगे तीन, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ऊपर आएंगे दो, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जी स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। देखें अब देखें यहाँ पर क्यों जिंक कलरलेस है, कि अगर आप जिंक के सॉल्यूशन में व्हाइट लाइट पास करते हैं, व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट जब आप पास करेंगे, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन जिंक को लाइट को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। क्यों एब्जॉर्ब नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर एक्साइटेशन नहीं हो सकती, ऑर्बिटल्स फुल फिल्ड हैं, ठीक है। पीछे कॉपर के केस में क्या हो रहा था कि एक ऑर्बिटल खाली होता था, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता था और लाइट को एब्जॉर्ब करता था, लेकिन जिंक के केस में आप देखें क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं, दोनों ऑर्बिटल्स नीचे भी, जो दोनों सेट्स ऑफ ऑर्बिटल हैं वो फुल फिल्ड हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर ना लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी। व्हाइट लाइट जो आपने पास करवाई है वो व्हाइट लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई भी पार्ट व्हाइट लाइट का एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जिंक आपको कलरलेस मिलता है। और यही रीजन होगी फॉर द स्कैंडियम, स्कैंडियम 3+ की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। एक्सक्यूज मी सर, जी सर, जब जिंक एक्साइट हो नहीं सकता तो फिर वो एब्जॉर्ब करके करेगा क्या? नहीं कर रहा ना, एब्जॉर्ब भी तो नहीं कर रहा सर, फिर वो सिर्फ सारी व्हाइट लाइट रिफ्रैक्ट करके व्हाइट नहीं दिखना चाहिए, मतलब कलरलेस दिख रहा है ना, व्हाइट लाइट आपको नजर आती है क्या? अच्छा कलरलेस यानी व्हाइट? नहीं नहीं, कलरलेस व्हाइट नहीं, आप ये व्हाइट लाइट ना, ये जो आम लाइट है इसको व्हाइट लाइट बोलते हैं ना बेटा, जो आम लाइट है इसको व्हाइट लाइट आप कहते हैं, ये जो सनलाइट आ रही है दिस इज द व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट को आप देख सकते हैं क्या? कोई इसका कलर तो नहीं होता ना बेटा, ये जो सनलाइट है ये आपकी व्हाइट लाइट है, जब इसको प्रिज्म में से पास करवाएंगे तब आपको डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज या रेड। तो अगर लाइट का कोई भी पार्ट बेटा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा ना, लाइट का कोई भी पार्ट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो फिर आपका सॉल्यूशन कलरलेस होगा। अगर लाइट का कुछ भी पार्ट एब्जॉर्ब होता तो फिर सॉल्यूशन ने कलरलेस नहीं होना था। और यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन नहीं हो रही। अच्छा स्कैंडियम में देखें, स्कैंडियम 3+ जो है, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2, इसके पास ना स्कैंडियम के पास वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं 21, लेकिन ये 3+ है तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये देखें इसके पास तो डी सबशेल ही नहीं है, तो डी यहाँ पर सिप्लिटिंग भी नहीं होगी, तो यहाँ पर नो डी सिप्लिटिंग। डी सिप्लिटिंग ना होने की वजह से नो डी सिप्लिटिंग, क्योंकि डी सबशेल ही इसका खाली है, इसलिए स्कैंडियम 3 जो है, या आप देख लें जो जिंक 2+ है
या आप कॉपर वन को भी देख सकते हैं बेटा, कॉपर वन, कॉपर वन प्लस जो है ये भी, जब इसके ऊपर आप व्हाइट लाइट बेटा देंगे इसको, तो व्हाइट लाइट कॉपर वन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें ना कॉपर वन की, ये बनती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s0. यहाँ भी देखें डी आपका फुल फील्ड है तो कोई एक्साइटेशन कॉपर वन में भी नहीं होगी. तो जो कॉपर वन का सोल्यूशन है, जो जिंक आयन का सोल्यूशन है और जो स्कैंडियम थ्री है, ये बेटा तीन ये आपको कलरलेस सोल्यूशन देते हैं क्योंकि इनमें लाइट एब्जॉर्ब भी नहीं होती. ठीक है, तो आज यहाँ तक करना बेटा, कल इंशाल्लाह हमारा जो है ना ये इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा जी.